गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी का ब्रेकिंग न्यूज इतना ही है, जो अब आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इसमें लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके हेल्प से हम लोग फाउंडेशन, टारगेट, ट्वेल्थ अलग अलग बात करेंगे। अब आप जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, आपका उसी टाइप का वीडियो पहुंचेगा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन किए थे, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे बात किए थे, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेम से ही स्पष्ट है जो रिडॉक्स क्या है। तो जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उसको ही नाम दे दिया गया रिडॉक्स। क्या नाम दिया गया? रिडॉक्स। तो कहेंगे रिएक्शन इन विच सबस्टांस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड बोथ इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन इन विच सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड, रिएक्शन इन विच सबस्टांस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। एक वैसा रिएक्शन जिसमें सबस्टांस ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस्ड भी हो उसको ही नाम दे दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeCl2SnCl4। यदि इस दोनों को रिएक्शन कराया जाए तो FeCl3 और SnCl2 बनता है। यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है जो क्या होगा Fe का। तो Cl के बारे में हम जानते हैं जो कॉमनली क्या होता है, -1 होता है। तो -1 यानी -2 तो ये +2, -4 तो ये +4, ये -3 तो ये +3, ये -2 तो ये +2। तो यहां पे ये जो Fe है उस Fe का +2 से +3 की तरफ जा रहा है, +2 से +3। कौन सा घटना हो रहा है? तो +2 से +3 यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज उसी समय बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। और यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो हम कह देंगे क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। इसी को स्टैंडर्ड भाषा में क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड। किसके कारण? तो Fe के कारण। अगेन यहां पे देखें, ये टीन पे +4 है और यहां +2, तो क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। और रिडक्शन को क्या कह देंगे? रिड्यूस्ड, क्योंकि +4 से जा रहा है +2। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कह देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो
यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान दें, यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो निश्चित उस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा, रिड्यूस्ड हो रहा होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि ऑक्सीडेशन के दौरान यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो जहां कहीं भी कुछ भी लॉस हो रहा है तो ये लॉस तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको कोई गेन करने वाला ना हो। तो अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट को NaCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बन जाएगा AgCl और NaNO3। ये जो रिएक्शन दिखाए ये रिएक्शन आपको याद करना होगा जो ऐसा होता है। अब यहां पे सिल्वर पे देखिए प्लस वन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो NO3 है इस NO3 पे माइनस वन होता है। अब जब इस पे पता चलिए गया हमको प्लस वन तो यहां माइनस सिक्स तो यहां प्लस फाइव, ये बात समझ गए। अब अगेन यहां माइनस वन तो ये प्लस वन, ये माइनस वन तो ये प्लस वन, सोडियम पे तो हमेशा प्लस वन, और ये माइनस सिक्स तो ये प्लस फाइव। अब देखिए यहां सिल्वर पे प्लस वन है, यहां देखिए सिल्वर पे प्लस वन, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन प्लस फाइव, देखें राइट साइड प्लस फाइव। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे माइनस टू, यदि यहाँ पे भी देखेंगे वन ऑक्सीजन पे तो माइनस टू, यानी ये पता चला जो इसमें किसी प्रकार से कुछ नहीं हो रहा है, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। इसलिए जब इसमें कुछ नहीं हो रहा है अब इसको चेक करें, सोडियम प्लस वन, यहाँ भी प्लस वन, नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, Cl माइनस वन माइनस वन। तो यहां हम क्या कह देंगे, दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यानी नेचर में वैसा भी रिएक्शन होता है जहां पे क्या होगा, रिडॉक्स यानी ना ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे ही इंटर का बात किया जाए तो दो के बीच में होगा, इंटर का मतलब ही होगा जो कितने के बीच, दो के बीच। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एलिमेंट, इन विच टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड का ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो यहां पे देखिए एग्जांपल हाइड्रोजन का बताइए जो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जीरो, यहां भी जीरो क्योंकि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पे प्लस वन तो माइनस वन। तो यहां ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ये जीरो से जा रहा है माइनस, तो रिड्यूस्ड हो रहा है। दो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो कह देंगे जो ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, तो इंट्रा का मतलब ही होता है जो दो एक ही में, इंट्रा जहां कहीं भी वर्ड लगा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है विद इन। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान दें दो अलग अलग एलिमेंट,
लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में। यहां क्या था, दो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, जो दो अलग अलग एलिमेंट होगा लेकिन क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल का होगा, तो उसको नाम रख दिया गया इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग अगेन देख लें इसका एग्जांपल, जो एग्जांपल इसका क्या होता है, तो यदि KClO3 लें तो KCl और प्लस O2 बनेगा, तो यहां पे ऑक्सीजन का माइनस सिक्स प्लस वन तो प्लस फाइव, ये देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो, तो क्लोरीन का देखिए प्लस फाइव से जा रहा है माइनस, यानी रिड्यूस्ड हो रहा है, ये क्लोरीन क्या हो रहा है रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि माइनस सिक्स से जा रहा है जीरो। तो एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन एक का रिडक्शन तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो हम कह देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर है। क्लियर हो गया, दो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो उसको कह देंगे इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग एलिमेंट लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में, दो अलग अलग एलिमेंट लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में हो और वे रिडॉक्स शो कर रहा है तो उसका नाम इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो नेक्स्ट नंबर डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन और ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा तो हम कह देंगे जो ये कौन सा रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। यदि हम क्लोरीन को NaOH के साथ रिएक्शन करावें लेकिन कंडीशन लगा हुआ है कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड का मतलब तो सब लोग जानते हैं ठंडा, और डाइल्यूट का मतलब हुआ जो वाटर में NaOH का अमाउंट कम होगा, कितना कम होगा ये आगे पता चलेगा, लेकिन वाटर में NaOH का अमाउंट यदि कम हो तो डाइल्यूट कहते हैं। NaCl बना, NaClO बना और H2O बना। देखिए ये 12th का P ब्लॉक का क्लोरीन का रिएक्शन है और ये रिएक्शन इतने इंपोर्टेंस है जो रिडॉक्स से कहीं ये रिएक्शन इंपोर्टेंस है। क्या इसमें इंपोर्टेंस है, जो यदि हम क्लोरीन को कोल्ड और डाइल्यूट, कोल्ड और डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करावे तो मेनली ये प्रोडक्ट याद रखना है जो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये दोनों का कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है। सपोज कीजिए यहां क्लोरीन न लेकर के हम ब्रोमीन ले लें तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो क्या बन जाएगा NaBr, यहां क्या हो जाएगा NaBrO और प्लस क्या H2O, है ना। इसी तरह से ये I2 ले लें, आयोडीन ले लें तो फिर यही रहेगा, तो NaI प्लस NaIO और प्लस H2O। समझ गए बात को, तो सबसे पहले हम लोग इनऑर्गेनिक के व्यू से ये समझेंगे रिएक्शन जो क्या होता है, यानी यहां पे हम क्या लिए हुए हैं, I2 लिए हुए हैं आयोडीन, ये आयोडीन यानी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमको बात करना है रिडॉक्स पे, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसके बाद हम समझाते हैं। कर लिए वीडियो को पॉज, नोट कर लिए,
अब हम मिटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसका, रिडॉक्स का। ये तो आपको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पे देखिए क्लोरीन का कितना है, जीरो। सोडियम का हमेशा प्लस वन, ये हाइड्रोजन का प्लस वन, तो ऑक्सीजन का माइनस टू, यहां पे प्लस वन तो ये माइनस वन। ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर होना चाहिए, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। प्लस वन माइनस टू तो प्लस वन, ये माइनस टू तो प्लस टू। यहां यदि हम क्लोरीन का देखें तो जीरो से जा रहा है माइनस, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अब यहीं से फिर देखना पड़ेगा, तो देखिए यहां जीरो से जा रहा है प्लस वन, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये एक एग्जांपल बन गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। जहां तक बैलेंसिंग का बात है तो यहां हम 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम 2 तो यहां भी 1 2, लेकिन बैलेंसिंग से अभी हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। मतलब है ये समझना है जो रिडॉक्स समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो और भी हम इंपॉर्टेंस एग्जांपल लेते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके पूरे नोट कीजिए, ठीक है। तो रिडॉक्स जैसे ही कहा जाए, जो रिडॉक्स क्या है तो हम समझेंगे, यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में हो रहा है तो ये एग्जांपल बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो 3। एक का नाम इंटर, जहां पे हम आपको समझाए जो दो अलग अलग एलिमेंट का, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। फिर समझाए जो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन। फिर हम समझाए जो एक ही मॉलिक्यूल में यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग एलिमेंट का हो तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं इसी के दरमियान Cl2NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको कॉन्क कहा गया है। यदि रिएक्शन कराएंगे तो NaCl NaClO3 प्लस H2O। आपको जो इससे पहले जो अभी समझाया, जो देखिए ये और ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यही कारण से वही NaOH है लेकिन हॉट मतलब गर्म ले लिया जाए, कंसंट्रेटेड मतलब पहले जितना आप NaOH लिए थे उससे NaOH का अमाउंट वाटर में ज्यादा कर दीजिए तो उसका नाम कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे जो ये बना, इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। क्या नाम है, सोडियम क्लोरेट। इसी तरह से यदि आप ब्रोमीन ले लीजिए और सेम यही रहेगा तो NaBr, और यहाँ क्या कह दीजिएगा NaBrO3 प्लस H2O। फिर यहाँ पे आयोडीन लीजिए तो यहाँ क्या बन जाएगा बाबू, आयोडाइड NaIO3 और प्लस H2O। तो यहाँ कहे हैं सोडियम क्लोरेट तो यहाँ बोल देंगे सोडियम ब्रोमेट, यहाँ बोल देंगे सोडियम आयोडेट, ठीक से। तो इसका मतलब है जो ये जो ClO3- है, ClO3- ये क्या कहलाया, क्लोरेट। यदि यहां ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमेट, आयोडीन रहेगा तो आयोडेट, लेकिन
क्या फ्लोरीन का क्यों नहीं होता, वे आगे बात करेंगे। अगेन पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके नोट करें किस व्यू से, तो इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक के व्यू से, और अब हम बात करते हैं रिडॉक्स के व्यू से। नोट कर लिए, ठीक है। तो हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन हो, तो उसको नाम रख दिया गया ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, जीरो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अब यहां पे कितना, तो -1। क्यों, क्योंकि सोडियम का हमेशा हम लोग +1 जानते हैं, ये -6 +1 तो +5। देखिए क्लोरीन जीरो से माइनस, तो क्या कह देंगे, रिडक्शन। क्लोरीन जीरो से +5 तो क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। और यदि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो हम लोग कहेंगे वे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जहां तक बैलेंसिंग का बात हो तो बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 लगा दीजिए तो कितना क्लोरीन हो गया, तो 6। और उसके बाद यहाँ पे 6 लगा दीजिए तो सोडियम कितना हो गया, 6। उसके बाद यहाँ पे 5 लगा दीजिए और यहाँ 3 लगा दीजिए। लेकिन बैलेंसिंग के बारे में अभी आप मत सोचें जो कैसे बैलेंसिंग होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पर ध्यान दें। P4 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है NaH2PO2+PH3 बनता है, इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फेट, ठीक है। और ये इसका क्या नाम है, तो फॉस्फीन नाम है। हमको तो बात करना है ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन का, तो यहां 0 और यहां देख लीजिए +1 -4 +2, तो 2 + 3 + 3 = 4। यहां पे +3 तो -3। अब देख लीजिए 0 से जा रहा है +1, क्या कह दीजिएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। 0 से जा रहा है -1, क्या बोल दीजिएगा, रिडक्शन। और ये क्या है, व्हाइट फास्फोरस, क्या नाम है इसका, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ये जितने भी एग्जांपल देख रहे हैं अपने आप में इम्पोर्टेंस है, किस व्यू से, तो इनऑर्गेनिक के व्यू से। अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें ये एस, ये क्या है, सल्फर। सल्फर को यदि NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम थायोसल्फेट, और ये क्या है, तो सोडियम सल्फाइड बनता है, और इसको पहचानते ही है वाटर। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्यों, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, ये अनकंबाइंड स्टेट में है। और यहां देखिए तो -6 + 2 तो +4, यहां देखिए तो +2 - 2। तो यहां से यहां यदि बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगेन यहां से यहां यदि बात करेंगे तो रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। नोट F2 डू नॉट रिएक्ट विथ अल्कली, अल्कली के साथ
यानी NaOH के साथ फ्लोरीन का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फिनिश्ड कर लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो चलें क्वेश्चन को देख लें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें से कौन ऐसा है जो रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्वेश्चन जेई मेन 2017 का है, हमसे पूछ दिया गया जो इसमें कौन ऐसा रिएक्शन है जो एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, जो एक वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। लेकिन जरूरत है जो रूल याद होगा तब तो हम पकड़ पाएंगे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। तो देखिए, हम जिस तरह से बोल रहे हैं अगेन आप लोग ट्राई करेंगे। ये फ्लोरीन हाइलोजन है और हाइलोजन का रूल हम जानते हैं, जो माइनस वन होता है तो माइनस फोर, तो यहां प्लस फोर हो गया। अगेन यहां माइनस टू, तो ये प्लस टू हो गया। माइनस सिक्स, तो प्लस सिक्स, और ये जीरो। तो जेनॉन जो है प्लस फोर से प्लस सिक्स जा रहा है, तो क्या कह देंगे, जो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन प्लस टू से जीरो जा रहा है तो रिड्यूस्ड हो गया। तो ये तो एग्जांपल हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का। सपोज कीजिए ओनली वन ऑप्शन है, तो कह देंगे श्योर ये रिएक्शन है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। समझे इस बात को, यदि आप नीट का जेई का तैयारी कर रहे हैं और ओनली वन ऑप्शन है, और जैसा कि यहाँ पे आपको हम दिखाए जो इस पर हमको कॉन्फिडेंस है, तो निश्चित रूप से ए आंसर जब हमको हो गया तो बी सी डी चेक करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में ये देखा जाता है जो आपके पास कितना समय बचा हुआ है, कितना समय बचा हुआ है, कब, जब आपका होल सिलेबस कंप्लीट है, जब आपके पास नॉलेज है तब। लेकिन हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए माइनस टू तो प्लस टू, यहाँ पे माइनस फाइव तो प्लस फाइव। अब यहां देख लीजिए कैसा दे दिया गया, तो थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भी किशोर सर आपके साथ हैं, दुनिया का वर्ल्ड का नंबर वन केमिस्ट्री टीचर। तो एक्स ई एफ ये प्लस वन, तो देखिए एक्स माइनस वन प्लस वन, इसीलिए एक्स बराबर प्लस वन यानी एक्स बराबर प्लस टू। ठीक है, फिर से ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट से हमको कोई मतलब नहीं है, जेनॉन का निकालना था तो एक्स, आप फ्लोरीन का तो हमेशा जानते हैं ऑलवेज माइनस वन, आप इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज, क्योंकि यहाँ चार्ज है तो प्लस टू। इसी तरह से आप जो है पी एफ, पी एफ सिक्स, तो एक्स माइनस सिक्स माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन प्लस सिक्स यानी एक्स बराबर प्लस फाइव। तो यहां प्लस टू हो गया और यहां प्लस फाइव हो गया, न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन। फिर से देखिए, ये माइनस सिक्स तो प्लस सिक्स, माइनस टू तो प्लस टू, यहां पे माइनस फोर कह देंगे, ये माइनस टू तो बता दीजिए प्लस सिक्स होगा कि नहीं, माइनस वन तो प्लस वन। अब देख लीजिए जेनॉन प्लस सिक्स से प्लस सिक्स, न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन। फ्लोरीन एक पर यदि सोचेंगे तो माइनस वन, तो उधर भी माइनस वन, कोई चेंजिंग नहीं। और जब एक में चेंजिंग नहीं है तो आगे देखने की क्या जरूरत है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए। अब देखिए माइनस टू, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू, हाइड्रोजन एक पे प्लस वन, हमेशा एक पर देखिए प्लस वन, कोई चेंजिंग नहीं। अगेन माइनस सिक्स तो प्लस सिक्स, माइनस टू तो प्लस टू,
ये तो सेम ऐसा ही टाइप का है, माइनस टू माइनस फोर तो प्लस सिक्स, ये माइनस वन तो प्लस वन। तो हम लोगों का आंसर कौन सा रहा, ये ए, ये जेई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर जी ऐसा ही सवाल होता है क्या? हाँ बाबू ऐसा ही सवाल होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम ट्वेल्थ में भी बात करेंगे, सिर्फ आप केमिस्ट्री का क्या करें, जितना पढ़ाते हैं उतना करते जाएं, आपको मैं अच्छे से अच्छे मार्क दिलाऊंगा केमिस्ट्री में, बस आप फिजिक्स को संभाले। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। Which of the following is an example of redox reaction? कहा जा रहा है इसमें कौन redox reaction है? तो बात तो वही है, सबसे पहले आप लोग क्या करें, जैसे ही problem देते हैं तो problem को जो है video pause करके पहले अपने से copy पे लिख के try करें, यदि नहीं बनता है तो फिर आगे देखें, हम तो solve किए हैं। तो देखिए माइनस वन तो प्लस वन कहां से, ये रूल से, दुनिया में रूल है, जो हाइड्रोजन यदि मेटल के साथ हो तो माइनस वन होगा और अल्काली मेटल का प्लस वन, माइनस सिक्स प्लस वन, ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस टू तो थ्री है इसीलिए माइनस सिक्स, इस पे तो प्लस वन तो यहां कितना प्लस फाइव, तब तो सब मिलकर के जीरो हो जाएगा। फिर यहां देखें प्लस वन माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन प्लस वन, तो देखें सोडियम प्लस वन से प्लस वन, न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन, सी एल माइनस वन न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन, तो इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन, इसलिए ये एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का नहीं है। और यदि एक में हमको कॉन्फिडेंस है तो आगे देखने की क्या जरूरत है, लेकिन देख लीजिए पोटासियम प्लस वन प्लस वन, नाइट्रोजन प्लस फाइव, ऑक्सीजन एक पे माइनस टू तो माइनस टू। अब इसमें देखें कैल्शियम पर तो जानते हो प्लस टू, ऑक्सीजन पे माइनस एट क्योंकि एक ऑक्सीजन पर माइनस टू, अब कितना रख दें यहां पे तो प्लस सिक्स माइनस वन प्लस वन माइनस टू प्लस टू माइनस एट प्लस टू प्लस सिक्स। देखिए कैल्शियम प्लस टू न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन, ऑक्सीजन माइनस एट वहां भी चार पर देखिए तो माइनस एट, कार्बन दो पे प्लस सिक्स वहां भी दो पे प्लस सिक्स, न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन प्लस टू होगा, यहां पे प्लस टू तो ये माइनस फोर, दोनों दो ले लिए दोनों को लेकर के, यहां पे थोड़ा सा देखिए माइनस वन प्लस फोर तो माइनस थ्री, फिर माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू, देख लीजिए कैल्शियम प्लस टू एक ऑक्सीजन पे, यहां तो दो के लिए माइनस फोर है, एक के लिए माइनस टू, यहां भी एक के लिए माइनस टू, न ऑक्सीडेशन न रिडक्शन क्लियर है, प्लस वन माइनस टू तो प्लस वन, जीरो जीरो प्लस टू माइनस फोर तो प्लस टू। देखिए अब पोटासियम पर तो कोई चेंजिंग नहीं, सिल्वर पे यहां प्लस वन से जा रहा है जीरो, और जब प्लस वन से जीरो आ जाए तो हम लोग क्या कह देंगे, जो ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन तो रिडक्शन। फिर देखिए जीरो और जीरो से जा रहा है प्लस वन तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जो है रिडॉक्स रिएक्शन का अच्छा अच्छा सवाल कर लिए। ये जो क्वेश्चन आपको है वे जेई मेन का है, जो पहले एआई ट्रिपल के नाम से जाना जाता था, एआई ट्रिपल ई, कब, जब 2002 था उस समय। तो अगेन वीडियो को पॉज करें,
नोट करें और अपने आप में एनर्जी फील करें जो केमिस्ट्री में मैं इतना जानता हूँ। तो अगेन हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। कहा जा रहा है व्हाइट फास्फोरस जो कि P4 आपको कहे हैं ऑन रिएक्शन विथ NaOH गिव PH3 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट दिस रिएक्शन इज। तो आपको पहले ही बताया जो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन एक अलग पॉइंट ऑफ ही है, लेकिन ये जो सवाल हम बात कर रहे हैं वे किसके व्यू से, तो इनऑर्गेनिक के व्यू से आपको रट जाना है जो व्हाइट फास्फोरस को रिएक्शन कराया जाए NaOH के साथ H2O के प्रेजेंस में तो क्या बनता है। तो अभी अभी हम लोग देखे हैं P4 NaOH H2O को रिएक्शन कराया जाए तो NaH2PO2 और PH3 यानी फॉस्फीन बनता है, यही है। तो दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन तो एग्जांपल है डिसप्रोपोर्शनेशन का, तो आंसर क्या होगा डिसप्रोपोर्शनेशन। अब मन में मत क्वेश्चन अराइज कीजिएगा जो सर ये थोड़ा सा समझा दीजिए जो डाइमराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन क्या है, सब का सब हम लोग देखेंगे। आपको पेशेंस रखना होगा, बार बार हम कहते हैं जो केमिस्ट्री में यदि हम किसी भी टॉपिक से बात करने लगेंगे तो अदर टॉपिक से आएगा ही, तो इसका मतलब ये नहीं जो सारा का सारा बात हम एक्सप्लेन करने लगे वहीं पे। तो ये जो है हम लोगों का ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, सिर्फ अभी हम इतना ही समझेंगे। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो कहा जा रहा है द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विथ एक्वस NaOH। एक्वस मतलब वाटर न कह करके कहीं क्या कहा जा सकता है, एक्वस गिव फॉस्फीन, क्या दे रहा है फॉस्फीन मतलब PH3 अलोंग विथ अदर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड, और यानी उसको छुपा दिया गया। द रिएक्शन टाइप बताना है, जो रिएक्शन का टाइप क्या होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फीन, यानी फॉस्फीन में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए एंड अदर प्रोडक्ट। तो आपको जितना भी रिडॉक्स डिसप्रोपोर्शनेशन का दिए वे सबसे पहले याद होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन के साथ दिए, फॉस्फोरस के साथ दिए और सल्फर के साथ दिए, तो सबसे पहले तो हम ये बात याद रहेगा जो ये डिसप्रोपोर्शनेशन है, तो सी और डी आंसर होगा। रिडॉक्स है लेकिन रिडॉक्स में डिसप्रोपोर्शनेशन। अब सवाल है जो फास्फोरस का, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फीन में तो -3, तो -3 तो दोनों ऑप्शन में है। अब दूसरा में आप देखें जो फास्फोरस का +1 है, ये अभी ही आपको नोट करा दिए हैं तो नोट कर लें, तो इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा सी। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा, क्या है हेडिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन ले लेते हैं और उस रिएक्शन पर विचार करके तब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करेंगे, ठीक है। जो एक रिएक्शन ले लेंगे और उस रिएक्शन से हम फाइंड करेंगे जो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Zn+H2SO4, तो Zn SO4 और +H2। यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जो कितना, तो 0, ये -8 +2 +6
ये -8 +2 +6 ये जिंक को फाइंड करने का तरीका समझा दिए हैं। जो हम जानते हैं ZnSO4 पे ZN पे यदि निकालना है तो SO4 एक रेडिकल है, ये -2 तो ये +2। अब फिर हमको जब ये पता चल गया इस पे +2 तो ऑक्सीजन को कह देते हैं -8 तो ये +6 और ये 0। तो जब भी किसी एजेंट का पता करना हो तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना होगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल से ये फाइंड कर लेना होगा जो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। ये जिंक जो है 0 से जा रहा है +2 तो कहेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी को क्या कह दिए हैं, ऑक्सीडाइज्ड। और यहां हाइड्रोजन +2 से जा रहा है 0 तो क्या कह देंगे, रिडक्शन। और जिसको रिडक्शन कहते हैं उसी को क्या कह दिए हैं, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अब वैसा सबस्टांस विच देम सेल्व ऑक्सीडाइज्ड आर रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान दें, सबस्टांस देम सेल्व जो खुद का जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वे काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। तो हम कहेंगे ये कैसा काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। यानी क्या समझाए, जो जिसका ऑक्सीडेशन हो, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम इधर लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन क्या हम लोग देखे हैं, इसको कहे हैं ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज्ड। और अब कह रहे हैं जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वे काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, या इसी को कह दिया गया है रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। दूसरा, ये जो रिड्यूस्ड हो वे कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बात, क्या समझे, जो जैसे ही हम लोगों को इस तरह से रिएक्शन दे दिया जाए तो जो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिएक्शन हो रहा है वे कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलें अब देखें, कहा जा रहा है सबस्टांस देम सेल्व ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, जो ऑक्सीडेशन शो करे, कह देंगे वे रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद का रिड्यूस्ड हो जाए, जो रिडक्शन शो करे, वे क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप पकड़ लेंगे, जो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग, यानी एक रिएक्शन में जो क्या शो कर रहा हो, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वे क्लियर करना पड़ेगा। यदि वे क्लियर है तो ऑक्सीडेशन पहचान जाएंगे, और यदि ऑक्सीडेशन पहचान जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान जाएंगे। तो अगेन हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इस बार ठीक से क्या समझाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यह हम लोगों का एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही, यदि रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर कर लें। ये जीरो प्लस थ्री तो माइनस थ्री। देखिए यहां जीरो से जा रहा है माइनस, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन। और यहां पे इसको और थोड़ा बड़ा कर दें ताकि कुछ और बात हम समझाना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंस। 3s2 2ns3। तो अब देखिए यहां पे ये जो हाइड्रोजन है ये जीरो से जा रहा है प्लस की तरफ, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज्ड। ये रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। रिडक्शन मतलब ये कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझें, बी कॉन्शियस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें आप, ये जीरो से माइनस यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है। कहेंगे इट गेन इलेक्ट्रॉन, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वे सब का सब क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इसको स्पष्ट करते जाएं, जो ईट, ईट मतलब कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ईट सेल्फ रिड्यूस्ड, ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट ईट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वे खुद को रिड्यूस हो जाएगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। इट सेल्फ डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, ठीक है, ये खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटा लेता है। यहां जीरो तो यहां माइनस घट गया, और यहां क्या बोलेंगे, तो इट सेल्फ इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेता है, जीरो से जा रहा है प्लस की तरफ, ठीक है। इट क्या कह दें, ये और क्या काम करता है, थोड़ा सा और हम इस तरह से टेढ़ा कर दें तो लिखने में आसान होगा। इट ऑक्सीडाइज द अदर सबस्टांस, इट ऑक्सीडाइज द अदर सबस्टांस, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। और ये क्या कहेंगे, इट रिड्यूस्ड द अदर सबस्टांस, और ये दूसरे को रिड्यूस कर देता है। यानी इसका रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है। ये गेन कहां से करेगा, तो कोई तो लूज करने वाला होगा,
तो इसीलिए कहे जो इट ऑक्सीडाइज द अदर सबस्टांस, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। और कहा जाए जो इट रिड्यूस इट सेल्फ डिक्रीजेज ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ कह सकते हैं इट इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर सबस्टांस, ये दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देता है। तो यहां क्या बोलिएगा, जो इट डिक्रीजेज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर सबस्टांस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान लेंगे जो कौन सा है। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, एक बार और देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हम पहचानेंगे जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब एक रिएक्शन दिया गया हो तो वहां पे पहचानना तो बहुत इजी है, आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं, लेकिन ना कुछ रिएक्शन दिया गया हो वहां कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट देंगे। तो इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम गोज टू मैक्सिमम मैक्सिमम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यदि सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पहुंच गया है तो वे काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कंपाउंड ऑफ अल्काली मेटल। अल्काली मेटल के केस में ये बात हम नहीं करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लें, H2SO4। सबसे पहले आप पहचानिए जो सेंट्रल एलिमेंट कौन सा होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम होगा वे सेंट्रल एटम कहलाएगा, लेकिन एक्सेप्ट अल्काली मेटल, अल्काली मेटल कभी भी सेंट्रल एटम की तरह से काम नहीं करता है। तो यहां पे ये जो सल्फर है यही है सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट सर्च करेंगे और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ जाए, और मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या समझते हैं, मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या समझते हैं जो ग्रुप नंबर के बराबर, तो सल्फर का कितना -8 + 2 तो +6, ये सल्फर 6 ग्रुप में बिलोंग कर रहा है इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 होगा, और यदि +6 होगा तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। KMnO4 सेंट्रल एटम Mn की तरह से काम करेगा, आपको पहले ही बता दिए जो अल्कली मेटल कभी भी सेंट्रल एटम की तरह से काम नहीं करेगा, ये अल्कली मेटल है, +7 है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H3PO4 +5, HNO3 +5, SO3 +6, CO2 +4, K2Cr2O7 +6, etc. ये सब का सब कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा।
तो हम लोग जैसे ही देखेंगे सेंट्रल एटम पे यदि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो ये काम कैसा करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। दूसरा, जनरली मेटालिक ऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो मेटालिक ऑक्साइड है वे कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। तो जैसा कि CaO, Fe2O3, MgO, etc. ये सब का सब काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एटम एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। एग्जाम्पल कह देंगे O3, F2, Cl2, etc. ये सब का सब काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ से। तो सबसे इम्पोर्टेंस जो है ये हम लोग इस पर बात करेंगे, जो जैसे ही किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो गया हो तो कहेंगे वे काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एग्जाम्पल ऑफ रिडक्टेंट। एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम गोज टू मिनिमम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यदि वही मिनिमम पहुंच जाए तो वे काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। HF-1, ये हाइड्रोजन एसिड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वे मिनिमम पहुंच गया है, इसीलिए ये सभी का सभी काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। H2S-2, NH3-3, etc. ये काम करेगा कैसा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। जनरली हम लोग कहेंगे जो नॉन मेटल जो है वे काम करता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। जनरली ये जो मेटल है वे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। जनरली मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वे जो आसानी से ऑक्सीडेशन हो, और आसानी से ऑक्सीडेशन हो मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, तो ये सभी का सभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब नेचर में वैसा भी एजेंट होता है जो दोनों की तरह से काम करता है, तो अब इसके लिए एग्जांपल देखेंगे जो कौन ऐसा एजेंट है जो दोनों की तरह से काम करता है और इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। तो नोट में याद रखिए, एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट गोज टू neither maximum nor minimum, ना ही मैक्सिमम हो और ना ही मिनिमम हो, यानी दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट गोज टू इंटरमीडिएट, यानी बीच बीच में रह जाए इंटरमीडिएट, देन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों की तरह से काम करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HNO2 तो -4 +1 +3, तो ये नाइट्रोजन का ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, क्योंकि मैक्सिमम होगा +5 और मिनिमम होगा -3, तो ये दोनों एजेंट की तरह से काम करेगा। H3PO3
प्लस थ्री, ये दोनों एजेंट की तरह से काम करेगा। सी ओ प्लस टू, ये दोनों एजेंट की तरह से काम करेगा। एच टू एस ओ थ्री, ये प्लस फोर, दोनों एजेंट की तरह से काम करेगा। तो हम लोगों को यदि रिएक्शन दिया हुआ हो तो उस सिचुएशन में कोई परेशानी नहीं है, आसानी से हम डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन नॉन रिएक्शन दिया गया हो तो आपको बहुत सावधानी से करना होगा। फिर से देख लीजिए, एच एन ओ थ्री प्लस फाइव, इसीलिए कहेंगे ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन एच थ्री माइनस थ्री, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। और एच एन ओ टू प्लस थ्री, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया बात कि नहीं? यानी ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो तो दोनों एजेंट की तरह से, और यदि मैक्सिमम हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मिनिमम हो तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखें, कहा जा रहा है द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऐसा है जो दोनों की तरह से काम नहीं करता है, मतलब ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से ना ही कैन नॉट एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दोनों की तरह से काम नहीं करता है, कोई एक करता होगा। तो हम क्या सीख रखे हैं, यदि सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, यदि मिनिमम हो तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, और ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो तो ये काम करेगा दोनों की तरह से। तो यहाँ पे माइनस सिक्स प्लस टू तो प्लस फोर, ये तो बोथ हो गया, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर जो है वे मैक्सिमम प्लस सिक्स और मिनिमम माइनस टू, मिनिमम माइनस टू, तो ना ये मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इसीलिए दोनों की तरह से ये प्लस फाइव। फॉस्फोरस बात करेंगे तो मैक्सिमम प्लस फाइव, मिनिमम माइनस थ्री, तो ये तो मैक्सिमम है, तो ये काम करेगा केवल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। तो आंसर तो मिल गया। इसमें देखिए, ये माइनस फोर प्लस वन तो माइनस थ्री, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम प्लस फाइव और मिनिमम माइनस थ्री, तो ये काम करेगा केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, यानी ये जो है केवल काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। HNO2 तो ये माइनस फोर प्लस, तो ये तो काम करेगा किस तरह से, केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, HNO2 है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ये प्लस थ्री होगा तो प्लस थ्री, तो फिर आ गया दोनों, मतलब ना मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, क्योंकि मैक्सिमम प्लस फाइव, तो ये भी काम दोनों की तरह से करेगा। और H2O2 ये माइनस टू, लेकिन एक पर देखेंगे तो माइनस वन, तो फिर ये दोनों की तरह से काम करेगा, तो सिर्फ कौन सा आंसर होगा, बी। तो इस तरह से हम लोग ये समझ गए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाना जाएगा। तो पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर एक कॉन्सेप्ट आता है, तो ये पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो अब आप लोग जो है सुबह जो 6 to 8 AM 22 था उसमें, ये 4 to 6 उसमें, और 6 to 8 फिजिकल में सभी का सभी बैच इक्वल हो गया, सभी का सभी बैच
इक्वल हो गया। अब जो भी हम लोगों को डिफरेंस है वे ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में भी बराबर कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, लेकिन ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक इंफॉर्मेशन वाला में दे दिया गया है। इसमें हम आपको पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, इसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वे फिर बात करेंगे। जय हिंद।